सोनू इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या तस्वीर दिख रही है, कितनी तेजी से ये बुलडोजर अवैध निर्माण पर चल रहा है? पर चल रहा है, आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं कि लगातार बुलडोजर अवैध निर्माण को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और अब अगला टारगेट जो है ये दुकानों के बाहर जो भी अवैध इंक्रोचमेंट है उसको तोड़ा जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश जरूर आ गया लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर एमडीएमसी के अधिकारियों को नहीं मिला है, तो लिहाजा अभी भी इंक्रोचमेंट को लगातार तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जो मस्जिद थी जामा मस्जिद उसके नीचे जो दुकानें बनी हुई थी उन दुकानों का स्ट्रक्चर बनाकर इंक्रोचमेंट किया हुआ था तो उसको बुलडोजर ने एमडीएमसी के तोड़ दिया है। फिलहाल ये बुलडोजर अब आगे की तरफ बढ़ रहा है जो दूसरे अतिक्रमण है जिस पर ये सोनी का बोर्ड लगा हुआ है, दुकान का हिस्सा है, इसको गिराया जा रहा है। ये दुकान के आगे जो अवैध कब्जा है सिर्फ उस पर कार्रवाई चल रही है। मस्जिद का गेट सड़क पर 8 फीट तक है, उसे नहीं हटाया गया है, तो कम से कम यहाँ धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए मस्जिद के गेट के का जो 8 फीट का अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया गया है, बल्कि जो दुकानें हैं सिर्फ दुकानें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो मस्जिद है इसका मेन गेट उससे 8 फीट आगे एक और बाउंड्री बनाई गई है लेकिन उसको नहीं तोड़ा गया है, लेकिन जो कमर्शियल स्पेस यहाँ मस्जिद के नीचे अतिक्रमण करके इस्तेमाल हो रहा था वो नहीं तोड़ा गया है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आए तो ये आगे का हिस्सा है और अगर आप देखेंगे तो ये असल में दुकान और ये मस्जिद का हिस्सा यहाँ सड़क पर आगे बढ़कर बना है, लेकिन फिलहाल उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि आप घर देखेंगे तो ये घर इस सड़क की हद है, लेकिन ये घरों से आगे जितना भी आप 15 फीट का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जिस पर ये मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद लगभग 8 से 10 फीट आगे बढ़कर बनी हुई है, लेकिन मस्जिद पर नहीं कमर्शियल स्ट्रक्चर पर ज़रूर यहाँ एक्शन लिया जा रहा है। और ये वही मस्जिद है जिसके सामने पूरा बवाल हुआ था और यहीं से पत्थर चलने की तस्वीरें आई थी, लेकिन जो सड़क पर दुकानें हैं उनको तोड़ने के आदेश मिलने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है और JCB लगातार काम कर रही है। हमने नॉर्थ MCD के अधिकारियों से बात की तो बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में सिर्फ TV पर सुना है और TV पर सुने गए किसी भी ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो अपने एक्शन को नहीं रोक सकते और अभी भी नॉर्थ दिल्ली MCD की बुलडोजर कार्रवाई यहाँ जारी है। ये सी और बी ब्लॉक का मेन रोड है जहाँ पर ये मस्जिद है और बुलडोजर यहाँ लगातार काम कर रहा है, भीड़ को हटाने की कोशिश यहाँ पुलिस कर रही है। इन तस्वीरों को कह रही है कैमरामैन और रिपोर्टर्स को आप पीछे रहें, लेकिन हकीकत ये है कि फिलहाल दोपहर के 12 बजे बुलडोजर चल रहा है अभी भी और ये जहांगीरपुरी की ग्राउंड जीरो की तस्वीर है और अब ये मस्जिद बाहर का वो हिस्सा जो अतिक्रमण किया गया था, मस्जिद के दरवाजे के बाहर जो दीवारें बनी थी उन्हें तोड़ा जा रहा है और ये तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं। ये गेट बिल्कुल सड़क पर बनाया गया था, उसी गेट को तोड़ा गया है। मस्जिद का मेन गेट आगे की तरफ है, वहाँ से लगभग 10 फीट आगे तक ये बरामदा बनाया गया है और इस बरामदे में इस गेट को तोड़ा जा रहा है और अब गेट के सामने जो दीवार है उसे बुलडोजर ने तोड़ दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि मस्जिद के बाहर, मस्जिद पर कोई अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मस्जिद के गेट के बाहर जो दीवारें बनाकर दुकानों के लिए कवरेज करने की कोशिश थी उस दीवार को यहां तोड़ दिया गया है और नॉर्थ दिल्ली MCD का बुलडोजर यहां लगातार जारी है। ये MCD के बाहर की तस्वीरें हैं और ये मेन गेट की तस्वीर है जहां ये कार्रवाई चल रही है। नॉर्थ दिल्ली MCD ने 400 पुलिसकर्मियों के दस्ते को मांगा था जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई और सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है। अलग अलग स्थानों पर परमानेंट और सेमी परमानेंट एनक्रोचमेंट्स को यहाँ से हटाया गया है और आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीर है कि मस्जिद के सामने जो 10 फीट का एरिया कवर किया गया था उस गेट को और उस दीवार को तोड़कर हटा दिया गया है। सोचिए, 10 फीट हिस्सा सड़क का हिस्सा था जो जिस
दीवार के सहारे एक के बाद एक कतार में यहाँ दुकानें बनाई गई थी और वो दुकानें आगे बढ़ाई गई थी। अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने की मौजूदगी में नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने उस अतिक्रमण को हटा दिया है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में जामा मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण की तस्वीर है वो किस तरीके की है वो हम आपको बुलडोजर के जरिए दिखा रहे हैं। बुलडोजर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस बुलडोजर के जरिए ये पूरी कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर बुलडोजर अब लगातार चल रहा है हर जगह पर जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ वहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर से सीधे हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बुलडोजर अब लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। मस्जिद के बाहर ये अतिक्रमण हुआ, मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हुआ और अब ये अतिक्रमण आगे की तरफ होने के लिए ये बुलडोजर आगे बढ़ रहा है और ये तस्वीर इस वक्त यहाँ पर दिख रही है। तो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में ये तस्वीर है जहां पर मस्जिद के आसपास अतिक्रमण चल रहा है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू की आप तब तक रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से यहां पर बुलडोजर बेलगाम होकर आके बढ़ रहा है। इस वक्त हम सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के बाहर मौजूद है और यहां पर आप देखें कि बुलडोजर जामा मस्जिद के आगे लगा दिया गया है। दरअसल नीचे जो है दुकानें बनाई गई हैं और ऊपर मस्जिद है और अब जो दुकानों के आगे इंक्रोचमेंट था उसको धीरे धीरे करके हटाने की तैयारी कर रही है एमसीडी। फिलहाल जितने भी बाहर दुकान वालों ने जो इंक्रोचमेंट किया हुआ था उनको अब हटाया जा रहा है बुलडोजर के भी जरिए। आप देखिए तोड़फोड़ शुरू हो गई है, ये मस्जिद के नीचे की दुकानें हैं जहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जहां पर दंगा फसाद शुरू हुआ था 16 तारीख को शाम तकरीबन 6 बजे के करीब और अब ये एमसीडी का बुलडोजर मस्जिद के आगे जो दुकानें बनी हुई थी उन पर भी चल रहा है। तो तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं कि ये बुलडोजर, हालांकि एनडीएमसी के अधिकारियों का कहना है अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी जो बया वो आदेश है माननीय न्यायालय का वो नहीं मिला है तो लिहाजा बुलडोजर अभी इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि जब आदेश मिलेगा तो उसके बाद उसी आदेश का पालन किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं ये जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के बाहर बनी दुकानों की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।